हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको फिर से एक और नई डिजाइन का डोरमेट बनाना बताती हूँ, जिसके लिए यहाँ पे हमने कुछ साड़ी ली हुई है और कुछ हमने पुरानी चुन्नियाँ ली हुई हैं। उन्हीं को हमने सभी को फाड़ लिया है इस तरह से। ये देखिए, इतना पतला पतला, ये देखिए। तो इसी से मैं आपको बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सिंपल सा डोरमेट बताऊँगी। आपके पास जो भी पुरानी साड़ी है, पुरानी चुन्नी है, आप उन्हीं से एक प्यारा सा डोरमेट बना लें, इसी तरह से जिस तरह से हम आपको बताएंगे। ये बिल्कुल आसान है, जिनको नहीं आता है वो भी आराम से इसको बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ये देखिए 5 कलर लिए हुए हैं। आपके पास जितने भी कलर हैं आप उसको एक कलर में भी बना सकती हैं, 2 कलर से भी बना सकती हैं और 3 कलर से भी बना सकती हैं। जैसे आपको ठीक लगे आप उस तरह से इसको बनाएं। और यहाँ पे हमने ये देखिए मोटी वाली सिलाई ली हुई है, 8 नंबर। इसमें मैं मोटी वाली सिलाई यूज करती हूँ जो हम पुरानी चुन्नी साड़ी से बनाते हैं, और बूल में मैं आपको 9 नंबर सिलाई यूज करती हूँ। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप कोई भी कलर से फंदे डाल सकते हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखिए इस तरह से ही फंदे हम डालेंगे, और यहाँ पे मैं 26 फंदे डाल लूंगी इस तरह से। जितना भी बड़ा आपको चाहिए आप इस हिसाब से इसको बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं 26 फंदे डाल लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए, ये बनाने में बिल्कुल आसान है और बनने के बाद काफ़ी सुंदर लगता है। तो चलिए हम फंदे डाल लेते। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 26 फंदे डाल लिए हैं। इसके बाद हम ये देखिए शुरू से ही आपको बता रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले हम सिलाई पे इस तरह से फंदा चढ़ाते हुए, ये देखिए एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ा लिए हैं पहली सिलाई पर, और आगे के फंदे हम इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए चले जाएंगे पूरी सिलाई को। यहाँ पे इसमें आप अपने हिसाब से फंदे आप डाल सकते हैं और आसानी से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम उल्टी उल्टी सिलाई पूरी, ये देखिए बना चुके हैं। दोनों साइड से हम फंदे इसमें बढ़ाते हुए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इस साइड हमने एक फंदा बढ़ा लिया था, अब हम उल्टी इस साइड आ गए हैं। तो हमने यहाँ पे भी इसी तरह से दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाना है। तो यहाँ पे हमने फिर से फंदा बढ़ा लिया है सिलाई पे चढ़ाते हुए, और पूरी सिलाई को इसी तरह से बना लेंगे। फिर सीधी सिलाई पे आएंगे, फिर दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसको भी बना चुके हैं। फिर से हम दोनों साइड से इसी तरह से हम ये देखिए इस तरह से फंदा सिलाई पे चढ़ाते हुए बनाते हुए जाएंगे। अगर आपने सिलाई पे नहीं चढ़ाना है तो देखिए आपको हम बताते हैं, इस तरह से अंगूठे पे लपेट के भी धागे को इस तरह से सिलाई में डाल के फंदा आप बढ़ा सकते हैं, और सिलाई पे चढ़ाते हुए भी फंदा आप बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, जैसा भी आपको इजी लगे आप उस तरह से फंदा बढ़ा लें। ये देखिए इस तरह से। तो हर बार हर सिलाई पे मैं यहाँ पे दोनों तरफ से फंदे बढ़ाती हुई 6-6 फंदे हम बढ़ा लेंगे दोनों तरफ, यानी कि 12 फंदे। इसके बाद आपको दिखाएंगे, ये देखिए इस तरह से। तो चलिए मैं इसको इसी तरह से बना लेती हूँ। 6 फंदे हमने इसी तरह से इस साइड बढ़ाने हैं और 6 फंदे ही हमने इस साइड बढ़ाने हैं। इसके बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 6 फंदे इस साइड बढ़ा लिए और 6 फंदे ही हमने
इस साइड बढ़ा लिए हैं, ये देखिए इस तरह से। तो यानी कि हमने 12 फंदे यहाँ पे बढ़ा लिए हैं और हमने यहाँ पे 26 फंदे डाले थे, तो ये टोटल हमारे 38 फंदे हो चुके हैं, ये देखिए इस तरह से। और हमने ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 सलाइयाँ ये बना ली हैं, 12 फंदे बढ़ा लिए हैं, टोटल 38 फंदे हैं। और यहाँ पे हमने जितना भी बड़ा आपको चाहिए आप उस हिसाब से इसमें फंदे और भी रख सकते हैं, इससे छोटा चाहिए तो आपको आप कम फंदे भी बना सकते हैं, कम फंदों का भी इसको। ये देखिए 26 फंदे डाले थे, 12 फंदे बढ़ा लिए हैं, तो यहाँ पे टोटल 38 फंदे हो चुके हैं। अब ये देखिए दोनों तरफ से हमने 6-6 फंदे और बढ़ाए हैं, 6 फंदे इस साइड बढ़ाए हैं और 6 फंदे ही इस साइड। इसके बाद ये देखिए अब हम इसी तरह से फिर से 6 सलाइयाँ बनाएंगे और हर सलाई पे एक एक फंदा घटाते हुए जाएंगे, जिस तरह से बढ़ाया है उसी तरह से। ये देखिए तो यहाँ पे एक फंदा हमने कम कर दिया है, आगे का हम इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए तो मैं यहाँ तक इसको बनाती हूँ, इसके बाद आपको दिखाती हूँ पूरी सिलाई को इसी तरह से बना के यहाँ तक बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हम लास्ट तक आ गए हैं, एक फंदा हमने घटा दिया है। अब जिस तरह से बढ़ाए हैं उसी तरह से दोनों तरफ से 12 फंदों को कम करेंगे, 6 फंदे इधर के और 6 फंदे ही इधर के, एक फंदा हमने यहाँ से घटा दिया है। अब ये देखिए हम इस साइड आ गए हैं और ये देखिए हम यहाँ से एक फंदा कम कर रहे हैं इस तरह से। ये देखिए हर बार हर सिलाई पे एक एक फंदा कम करते हुए जाना है, यानी कि 6 सिलाइयों पे बढ़ाया है और 6 सिलाइयों पे ही फंदे को कम करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे इसी तरह से इसको फंदे कम कर लेते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं फिर से। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 12 सिलाइयाँ बना ली हैं, ये देखिए जिस तरह से 6 फंदे हमने बढ़ाए थे उसी तरह से हमने 6 फंदे यहाँ पे कम कर दिए हैं। अब यहीं से हम उल्टी तरफ हैं, उल्टी तरफ से यहाँ पे हम फंदा घटाते हुए ये देखिए दूसरा कलर लगा देंगे यहीं पे, ये देखिए इस तरह से 26 ही फंदे हमारे यहाँ पे रह गए हैं। जो भी आपके पास कलर हैं इसी तरह से आप लगा लें, ये देखिए। तो यहाँ पे अब हमारे फंदे 26 फंदे रह गए हैं, जिस तरह से हमने 12 फंदे बढ़ाए थे उसी तरह हमने कम कर दिए हैं। अब हम इसी तरह से पांचों कलर से इसी तरह से पट्टियां बना लेंगे एक एक करके। ये देखिए इस तरह से ये देखिए उल्टी तरफ से हमने पिंक कलर लगा दिया है इसमें, इसी तरह से हम सभी कलर लगाएंगे इसमें। अब फिर से हम पिंक कलर लगा के फिर से इसी तरह से 12 फंदे बढ़ाएंगे, उसके बाद 12 फंदों को फिर से घटाएंगे, इस तरह से हम इसको बनाते हुए चले जाएंगे। ये देखिए अब हम पिंक कलर की पट्टी बनाएंगे, फिर हम दूसरा कलर लगाएंगे, तीसरा कलर इसमें, इसी तरह से इसको बना के हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसकी शेप आ जाएगी, ये देखिए इस साइड भी, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे ये एक एक पैटर्न 12 फंदों का है, इसी तरह से ये देखिए फिर से हम फंदा यहाँ पे बढ़ाते हुए जाएंगे, 12 फंदे इसी तरह से दोनों तरफ से एक एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। तो इसी तरह से हम इसको बना के कंप्लीट करते हैं, इसके बाद आपको ये देखिए फिर से दिखाते हैं, इसको हम इसी तरह से बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए मैं बनाती हूँ, इसके बाद आपको फिर से दिखाती हूँ।